55 साल की उम्र है, इतना बड़ा कर्फ्यू और लॉकडाउन नहीं देखा। 7 तारीख को कर्फ्यू लगा और 1 महीना 8 दिन के बाद कर्फ्यू हटा। यहाँ की मेडिकल टीम को, प्रशासन को, पुलिस को, मीडिया भाइयों को और ख़ास करके माननीय मंत्री जी भजन लाल जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर जब जब बैर में पधारे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन्होंने प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से और मुझसे बात नहीं की। इन्होंने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया। माननीय विधायक जी भी बीच बीच में आते रहे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 13 तारीख को माननीय विधायक जी बीमार थे, उसके बावजूद भी ये 13 तारीख को यहाँ आए, उसके बाद ट्रीटमेंट लिया। आप काबू पाए हैं और निश्चित तौर पर आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस मीडिया के आप तमाम जो लोग हैं इस महामारी के अंदर, आप लोगों ने बड़ी जागरूकता के साथ पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और जागरूक करने पर लोगों में एक जागरूकता आई। और वो आज भी मैं गाँव में गया हूँ तो लोग पुराने जैसे गांव में जाते थे, डग्गे लगा लेते हैं और पेड़ काट के डाल देते हैं, इस तरीका से पालन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके हाथ के हाथ एंड टू एंड प्रशासन को सूचना मिली जाती है। तो निश्चित तौर पर अब पूरा भरतपुर शांतिप्रिय है और अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। समीक्षा मीटिंग हम लोगों ने करी है, पहले भी हम लोगों ने समीक्षा मीटिंग करी थी, अब दोबारा बीच बीच में हम लोगों ने कर्फ्यू लग गया था तब भी हम लोगों ने समीक्षा मीटिंग करी है। अब पूरी तरह से यहाँ पर बयाना पूरी तरह से कोरोना मुक्त है, दुकानें खुल चुकी हैं, सारे व्यवसाय रूटीन में आ रहे हैं और मेरे हिसाब से इंडस्ट्रिया भी खुल गया ना, इंडस्ट्रिया भी खुल गया, सारी चीज़ खुल गई जो आम जीवन था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ यहाँ की जनता को और माननीय विधायक जी, इन्होंने पूरा अपना पूरा यहाँ पर समय दिया और सब लोगों ने मिलकर काम किया और एक टीम होती है और टीम जब पूरा मिलकर काम करती है तभी उसमें सफलता मिलती है। अब हमारी जो समीक्षा मीटिंग हुई है, अधिकारी सब ने फीडबैक लिया है और फीडबैक को लेके हम लोग जिला कलेक्टर को देंगे, जिला कलेक्टर हमको आगे यहाँ से फॉलो कराएंगे और बाकी तो सब यहाँ ठीक ठाक। साहब के साथ में जो भरतपुर बीसी मीटिंग हुई थी उसमें एक कोरोना महामारी को देखते हुए, क्योंकि जंगल में जीव जंतु, आवारा पशु, नील गाय, पशु पंछी, क्योंकि वो हर आदमी जीव जानता है, समझता है कि आज महामारी पूरे देश में, प्रदेश में फैल चुकी है और एक पशु बोलता ही नहीं है लेकिन जानता सारी चीज़ को है। उसको देखते हुए मैंने उनसे ये निवेदन और रिक्वेस्ट किया था कि पांचना का बांध जो करौली पड़ता है उसको अगर गंभीर नदी में छूट जाए तो वहाँ के जीव जंतु, आवारा पशु और या किसान सभी उस गंभीर नदी में पानी आने से सभी के ये अपना पेट भरना तो अलग है लेकिन जी भर के और तभी से पानी पी सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री साहब को कि उन्होंने इस बात को समझते हुए दूसरे ही दिन और पांचना बंद की घोषणा की और पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि पांचना बांध का जो पानी है वो बयाना नहीं, ये बयाना विधानसभा को जो अंतिम छोर है